नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। जैसे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं, ठीक वैसे ही दिखावा, दो मुंही बात और घूसखोरी बसेविरा शहर महानगर पालिका का तीन स्तंभ है। ये वो प्रथा है जिससे बसेविरा शहर महानगर पालिका के अधिकारी नाला सुपारा बसेविरा का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। बसेविरा शहर महानगर पालिका ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दिखावती कार्य प्रणाली पर चल रही है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि आज से दो हफ्ते पहले हमने अपने चैनल पर एक खबर चलाई। खबर के माध्यम से हमने ये बताया कि किस तरीके से नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन में स्थित पेट्रोल पंप के ठीक बगल में और अभिनंदन होटल के ठीक पास एक अवैध निर्माण जोरों शोरों से बनकर तैयार हो रहा है। जब हमने ये खबर दिखाई थी तब वह निर्माण निर्माणाधीन था, अर्थात बनकर तैयार हो रहा था। लेकिन अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से संतोष भवन में बनने वाला यह अवैध निर्माण पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है और बसेविरा शहर महानगर पालिका द्वारा इसे ध्वस्त नहीं किया गया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब चैनल पर खबरें चलती हैं तो बसेविरा शहर महानगर पालिका कुछ अवैध निर्माणों को जाकर ध्वस्त कर देती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस बार मनपा का बुलडोजर इस अवैध निर्माण पर नहीं चल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनपा का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ उसी अवैध निर्माण पर चलता है जहां से उन्हें मोटी रकम की उगाही नहीं होती, और जहां से उन्हें मोटी रकम की उगाही होती है वहां पर मनपा के बुलडोजर का स्टेयरिंग ही नहीं घूमता और पैसे की मोटी गड्डी मनपा के बुलडोजर पर मानो ब्रेक लगा देती हो। और भी सुनिए, मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर ससु नवघर में एक बनारसी ढाबा स्थित था। ससु नवघर के इस बनारसी ढाबा पर महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई कर दी गई। ये ढाबा पूर्ण रूप से 32,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, लेकिन मनपा द्वारा अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ दिया गया और धराशाही कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर नाला सुपारापुर के संतोष भवन में बनने वाले इस अवैध निर्माण पर मनपा अपना बुलडोजर नहीं चला रही है। इसीलिए दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि बसेविरा शहर महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ दिखावटी कार्य प्रणाली पर चल रही है और दो आंख करती नजर आ रही है, जिसके वजह से नाला सुपारा वसे विरार में भू माफिया के भूत लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। और इन भूतों को भगाने के लिए अजीत मुठे नामक तांत्रिक, जो वसे विरार शहर महानगर पालिका में उपायुक्त के पद पर तैनात है ना दोस्तों, वह भी इन भूतों को सिर्फ और सिर्फ संरक्षण दे रहे हैं। खैर, क्या ही कहना, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी पैसों के आगे नतमस्तक जो हो चुके हैं, और करेंगे भी क्या दोस्तों, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंत में दोस्तों, कि मनपा के आयुक्त अनिल पवार से मुझे कोई खासा उम्मीद तो है नहीं कि वो इस मुद्दे पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो खुद अंधेर नगरी के चौपट राजा हैं। इसीलिए उम्मीद यही है कि अजीत मुठे, जो कि वसेविरा शहर महानगर पालिका के उपायुक्त भी हैं, वो इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और नाला सुपारा में बनने वाले इस अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी कि नाला सुपारा के संतोष जोन में ये जो अवैध निर्माण बन रहा है ना, वो वसेविरा शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति एफ में आता है और जिसका पदभार वर्तमान समय में विशाखा मटघरे ने संभाला है। अब देखना ये होगा कि वो इस मामले को किस तरीके से गंभीरता में लेती हैं और इस बनने वाले अवैध निर्माण पर, या ये जो अवैध निर्माण पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है उस पर क्या कार्रवाई करती नजर आती हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। सच की आवाज को और बुलंद करने के लिए और मेरी बातों को अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। तब तक के लिए चलती हूँ, नमस्कार, जय हिंद। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।